नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे फरामीन हूँ रिवायत करने वाले और क्यामत तक नबी की उम्मत हूँ के कांडा ते इतला ते पैगाम पहुँचावन वाले आका करीम दे एक सहाबी हैं जिन्हों का नाम सैयदना हजरत अबू हुरैरा सी है। आप फरमाइंदे कि आका दी ज़ात पाक कसरत नाल रब दी पाक बारगाह विच दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मैं तुहाडी राह विच कतल किया और मैं तुहाडी राह दे अंदर शहीद किया मैंने, मगर क्योंकि शहादत की आरजू खुद मुस्तफा दी ज़ात पाक ने की थी है ते कायनात विच आरजू मुस्तफा करे ते अल्लाह कबूल न करे। रब ताला दी ज़ात पाक ने फरमाया महबूब जे तुसा अपनी जुबान तो ये जुमला अला भी दिते ना कि हुण मैं रब दी इज्जत गवारा नहीं करेंगी कि मैं रब तुहाडी दुआ को रद्द करा। हुण मैं रब दी ज़ात पाक दा एक अंदाज है मैं रब तुहाडी दुआ को कबूल करे ना पर मैं रब दी एक शर्त है अल्लाह दी पाक बारगाह दे मेरे सही अर्ज किया अल्लाह ओ क्या फरमाए यार मेरा होवे दुश्मन दे हाथ च देवां सुभान अल्लाह यार मेरा होवे ते महबूब अपना देवां ते वल महबूबा दे उत्ते दुश्मन अपने जुल्म दी इंतहा करे वल मैदान दे अंदर नबियां दा जिस्म होवे और जमीन दे मिट्टी दे नाल अट्टा होया होवे और घोड़े उंदे जिस्म दे उत्ते दौड़दे पे होवे किनारे उत्ते बैठे शख्स अपनी जुबान तो आख ना दे सी देखो नबी दा हशर क्या पिया थी दे हुण आरजू तो तुसा कर छोड़िए मैं रब तुहाडी दुआ को कबूल करे ना मगर मुहम्मद तेरे उत्ते अंदाज बदला दे। कायनात विच अल्लाह रब इज्जत दी ज़ात पाक ने आका करीम दी पाक बारगाह को शर्फे कबूलियत ते मकाम ते कैसा फायज कीता अल्लाह रब्बुल इज्जत ते पाक महबूब अलैहि सलात तस्लीम ने जिले ए आरजू कीती है ता अल्लाह रब्बुल इज्जत दी ज़ात पाक ने आप दी दुआ को हुन वेले कबूल कर छोड़ा है और मर्तबे शहादत ते फायज कर दिता है। मगर खालिक कायनात दी ज़ात पाक फरमाए महबूब ए दुआ तुहाडी हो सी मगर इंदी इब्तदा भी तुहाडे तो करे सा मगर तकमील तुहाडे तो ना करे सा सुभान अल्लाह मुकम्मल तुहाडे तो ना करे सा मुकम्मल वास्ते ऐसे नफूसे कुदसिया का इंतखाब करे सा जेडे तुहाडे जिस्म नाल वाबस्ता भी हो सन और तुहाडे जिस्म नाल मैयत ते सोबत भी हो सी मगर कायनात विच मुस्तफा जेड़ा कोई तुसा अपनी जबान तो अला छोड़े ना मैं क्यामत तक इको अपनी बाग बारगाह विच कबूल भी करे सा और क्यामत तक जे को भी मर्तबा शहादत ते फायज करे सा ए नेमत मुहम्मद मुस्तफा दी हो सी। अगर बिल्कुल आसान लफ्जा नाल ए लफ्ज सुन गिनो तो मेरे ख्याल है इको ई अंदाज नाल भी आखा देंदे आका करीम अलैहि सलात तस्लीम मनसबे रिसालत ते फायज है और नबी मुकर्रम दी ज़ात पाक मनसबे नबूवत ते भी फायज है। खुदा तला दी वहदानियत दे बाद जड़ा मखलूक दे अंदर बहुत वड्डा रुतबा है वो रिसालत है रिसालत दे बाद जड़ा बहुत वड्डा रुतबा है वो नबूवत है और नबूवत दे बाद जड़ा बहुत वड्डा रुतबा है वो सिद्दीकियत है सिद्दीकियत दे बाद जड़ा बहुत वड्डा रुतबा है वो शहादत है शहादत के बाद जड़ा रुतबा है वो सालेहियत है सालेहियत के बाद जड़ा बहुत वड्डा रुतबा है वो विलायत है। हुण आका दी ज़ात पाक कोल रिसालत तां है नबूवत तां है सिद्दीकियत भी है क्योंकि अगर सरकार दी ज़ात पाक कोल नबूवत दी निस्बत न कीती वञे हा कायनात च रब दी ज़ात पाक नबियां को नबूवत देवे अल्लाह रब्बुल इज्जत दी ज़ात पाक ने फरमाया इंदी निस्बत मैं रब दी ज़ात पाक तुहाडे जुजू दे मसूद नाल करेना मगर मैं रब दी ज़ात पाक दा ए तरीका है जिहड़ा कायनात के अंदर जिंदे वास्ते ए मखलूक बनाई है और जिंदे वास्ते जमीन दा फर्श बिछाए और जिंदे वास्ते पूरी कायनात को मैं खुदा तखलीक कीते अगर ई मुस्तफा दी ज़ात पाक को नबूवत दे मकाम और रिसालत दे मकाम जलीला दे उत्ते फायद ना करा क्यामत तक वास्ते किंगु नबूवत रे सा अल्लाह दी ज़ात पाक ने फरमाया निस्बत दी रसालत दी निस्बत ही मुस्तफा तोड़े दर करे सा और नबूवत दी निस्बत ही तोड़े दर करे सा कायनात च नबियां को नबूवत मिल सी ता तोड़ा सदका रसूलां को रिसालत मिल सी ता तोड़ा सदका सिद्दीकियत को सदाकत मिल सी ता मुस्तफा तोड़ा सदका और क्यामत तक वास्ते शहीदां को शहादत मिल सी ता मुहम्मद तोड़ा सुभान अल्लाह। अगर उंदी निस्बत आका दी ज़ाते पाक दी तरफ ना होवे हा ता रब दी ज़ाते पाक कदा हा
आका दी जाते पाक दी दुआ को कबूल न करे रहा, मगर रब ताला दी जाते पाक ने फरमाया महबूब इत्था मैं रब दा एक अंदाज है क्या, फरमाया मैं हर नबी को एक एक शहादत दीती है मगर मोहम्मद तो कोई एक दे मैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह हु अकबर। त नबी सही रब दी पाक बरगाह विच अर्ज कीता अल्लाह क्या वो शहादत मेको ना मिल सी, अल्लाह दी जाते पाक ने फरमाया महबूब वो शहादत तो को दे सा मगर हुन मैं रब नहीं चाहता मियां कोई सिफता एक दे मैं, मोहम्मद तो को भी नेमत है सिफत एक दे मां, बल्कि मोहम्मद तो सता जामे उस सिफात ही सुभान अल्लाह, सारिया सिफता दा बंबई तुसा ही है और सारिया सिफता को वंडे दे तुसा बैठे रहे ही वजह वास्ते आका करीम अलैहि सल्लत सलीम दी जात पाक फरमांदे ने इन्नामा आना कासम वल्लाह युती इन्नामा कलमा हसर है, आका दी जात पाक ने फरमाया सब कुछ वंडे दा ही मैं मोहम्मद दा ही वजह वास्ते जेड़ा कोई मालिक होंदे हमेशा तकसीम वो करें दे आका दी जात पाक जो मदीना तैयबा दे विच मौजूद हैं क्या असा ही आखूं कि सरकार दे हाथ मुबारक विच कोई चीज़ ना है, सरकार दे तसर्रुफ विच कोई चीज़ ना है, आका करीम दे कब्ज़ा मुबारक विच कुछ ना है। जेले मदीने पाक दे लोग सही दी खिदमत विच हाजिर थे और अर्ज करें दे या रसूल अल्लाह ई वक्त मदीने पाक दा एक कोई खूह है जेड़ा बीरे रूम है ओदे उत्ते ईसाईयत दा कब्ज़ा है, वो शख्स को महंगा पानी देंदे और जेले असा पानी भरन वास्ते वेने हैं तो भारी भरम रकम उनको देवनी पड़ती है, बाद विच साकु चंद घुट पानी दे देंदे ते नबी मुकर्रम दी जाते पाक आप मिंबरे पाक उत्ते जलवा फिगन थे और सरकार दी जाते पाक तशरीफ फरमा थे ते कायनात विच मैं खुश किस्मत हूं बंदे दी अख को ना आखा जै अपनी अख नाल मोहम्मद दा मिंबर भी बल्कि खुद आकर जाते पाक दे पाक मिंबरे पाक जड़ा आज भी जमीन दे किते और जमीन दे टुकड़े दे उते मौजूद है, खुद सरकार दी जाते पाक फरमेदन मा बैना बैती व मिंबरी रौजतुम मिन रियाजिल जन्ना, सही दी जाते पाक फरमेदन मैं मोहम्मद दे घर दी परली दीवार तो रख के मिंबर तक जितना जमीन दा टुकड़ा है ए जन्ना दे। आज भी अगर कोई हाजी उन जगह उत्ते पहुंच के दो रकात नमाज नफिल पढ़ गए तो मेरे ख्याल आ दे बाहर निकलते हैं बाबू सलाम कोलू या बाबे सिद्दीक अकबर कोलू या बाबे बिलाल कोलू ये शख्स बाबे बकी कोलू बहते सीना तान ते आधा बैठा हो गए मैं जन्नत दे विच नमाज पढ़ दे आया बैठा यार वो वजह क्या है इतना ही कई बाबे ने आग दी कहा एक जन्नत खुदा बनाइए मगर एक जन्नत मोहम्मद मुस्तफा बनाइए, जड़ी तुसा जन्नत बनाई है उनका ना क्या है, पर मैं जड़ी मैं जन्नत बनाई है उनका ना है जन्ना तिन तजरी मिन तहती हल अनहा, पर मुस्तफा जड़ी तुसा जन्नत बनाई है उनका ना क्या है आका दी जाते पाक फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौजतुम मिन रियाजिल जन्ना, जड़ी मैं जन्नत बनाई है ओ सत्ते आसमान ते उत्ते है पर जड़ी मेरे मोहम्मद बनाई है ओ जमीन ते उत्ते है। कई बाबे ने पूछी गिदा अगर खुदा तेरी जन्नत च आवां ते तेरी जन्नत का नाम क्या है और तेरे मोहम्मद दी जन्नत च आवां तो उंदा नाम क्या है, अगर तेरी जन्नत च आवां तो मुल क्या है, तेरी महबूब दी जन्नत च आवां तो वल मुल क्या है, पर मैं मेरी जन्नत च आवण वास्ते मरना पोसी अगर मेरे यार दी जन्नत च आवना चाहे वल मदीने टुर अच्छा अगर महबूब दी जन्नत च वणा और सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम दे पाक कदम है पाक च पावा और हु जगह के ते आते नफिल च पढ़ा बल कायनात च क्या एहसास कीसी मगर खालिक कायनात की जात पाक फरमा अगर मेरी जन्नत च आस है त कायनात ते तेको मौत दा जायका चखणा पोसी, अगर मेरे मुस्तफा दी जन्नत च आस है त वल मदीने दा बंद करना पोसी, त कई बाबे आख दिता है अल्लाह काबे दे परहु मदीना क्यों रखे, खुदा बेनियाज है अगर खुदा चाहे हा तो ओरहु भी रख सकता है पर हु क्यों रखे, अल्लाह दी जात पाक फरमाई यो ता वट वेवरा करना चाहना मुनाफे कौन हो सी ते मोहम्मद दा गुलाम मोमिन, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाक महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम दी जात पाक ने फरमाया ये जितना कुछ चीजा हैं ये सारियां तकसीम मैं करे ना, मगर सरकार के लिए मिंबर पाक दे तशरीफ फरमा थे आका फरमा कौन शख्स है जेड़ा पानी दा कुम्मा घिंत मुसलमान दे नाम करे और मैं मोहम्मद को जन्नत दे सुभान अल्लाह, जेने जन्नत खुदा बनाई है जन्नत देंदा ता ओ है ना
अल्लाह अकबर। जन्नत देंदा तां ओ है ना जिहड़ा मालिक होवे, वेचेंदा ही ओ है जिहड़ा कब्जा होवे। अगर कोई बंदा कहीं जमीन दे टुकड़े दे उत्ते रहिंदा होवे ते उहदा जमीन दे उत्ते कब्जा ना होवे मगर मौजूद होवे, ओ जमीन को वेच नहीं सकदा। विचे सी ओ जिहदे नां दी भी हो सी, जिहदा कब्जा भी हो सी। आकर दी राते पाक ने फरमाया, खुदा बनाई जन्नत आप है, खालिक खुदा है, पर क्यामत तक मालिक मोहम्मद मुस्तफा। रब जी जाते पाक ने फरमाया, महबूब जी मौला फरमाया, तो कोई इख्तियार भी ते बड़ा बना ही तुसा है, तकसीम ही तुसा करना है। अगर इत्थां बल अल्फाज उते गौर कीता वने तां रब दी जाते पाक ने महबूब फरमाया, इत्थां ए कहना बैठा वे सी जिहड़ा मेरे कोल मंगण वास्ते आया खड़े ओ गोरा या काला है, ओ ए कहना बैठा वे सी ओ अरबी है या अजमी है, ए कहना बैठा वे सी ओ उभे चुआ या लम्मे चुआ, ए कहना बैठा वे सी कि ओ मशरिकी चुआ या मगरबी चुआ, ए कहना बैठा वे सी ओ बकरियां छेड़ ते आया वदे या वड्डे सारे ओदे दे नाल आया वदे। आका दी राते पाक फरमाया, ओ जेड़ा ही मेरे बूहे ते लंघ आवे ना, अगर वल एक अल्फाज दुते थोड़ा जिया रोशनी चपाऊ ना ते वल थोड़ा जिया तो को मुश्किल आसी, मगर बिल्कुल आसान जटाका जिया लफ्ज चले ना ते वल अगले बनने ते टुर पवा। अल्लाह दी राते पाक ने फरमाया, व अब मसाइला फला तनहर। रब दी राते पाक ना महबूब तेरे दरवाजे ते जेड़ा ही आ खड़े ना झिड़का ना दे में मंगे चा तू, सुभान अल्लाह। इच्छा खाने के कैनात की जाते पाक फरमाया, सिद्दीकियत की निस्बत मुस्तफा ताली तरफ है, सालिहियत की निस्बत ताली तरफ है, और कैनात के अंदर मैं रब दी जाते पाक ने शहादत की निस्बत ताली तरफ करे सा। अगर क्यामत तक वास्ते मुस्तफा तो को शहादत न देवा ते बियां को शहादत का दर्जा देवा जा ता हर कोई आख दे सी अल्लाह ने ए नेमत बियां को ता दीती है, पर रब दी जात ने मोहम्मद अरबी को न दीती है। हुण मैं रब दा फैसला है, महबूब आरजू तुहाडी है, हुण मैं रब तुहाडी दुआ को पता किवें कबूल करे सा अल्लाह क्या। पर मैं उड्डू तुसा आरजू करो कि मेरे को शहादत दो और तेरी राह के अंदर शहीद कीता बन्ना, उड्डू मैं रब दा फैसला कुरान में वल्लाहु यासिमुक मिनन नार, मैं बंदे कुल मोहम्मद तेरी हिफाजत करावणी है, उड्डू मैं रब आखा बंदे कुल मुस्तफा दी हिफाजत करावणी है, उड्डू मैं रब दे पाक महबूब आखे अल्लाह मेरे को शहादत दे। रब दी दाते पाक फरमाउण, ए इज्जत दी गवारा नहीं करेंगी मोहम्मद दे जिस्म को दुश्मन दे सपोर्ट करा, पर ए इज्जत दी गवारा नहीं करेंगी कि मुस्तफा दी आंसू को कबूल न करा। मुस्तफा हर नबी को शहादत दीती है, पर शहादत एक दीती है मोहम्मद तेरे उते ता अजमत ही कुर्बान है। क्या फरमाया, ते को मैं शहादत ही रब तूड़े, जले रब दी जाते पाक ने फरमाया, महबूब तो आपको शहादत दूड़े सा, ते मेरे ख्याल आते जेड़ा दू मनसब उते फायज होवे तो ओ दू जिस्म भी जाना भी रखदा हो। मगर रब दी जाते पाक ने फरमाया, ऐ महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं रब दी जात दी इज्जत गवारा नहीं करेगी कि मैं रब तो को शहादत न देवा। शहादत वास्ते जिस्म ते शहादत ते रुतबे अच्छा अल्लाह से यार अल्लाह अकबर जी। मैं आप दी खिदमत जाज करे ना, जले आपने फरमाया ना कि मैं शहादत दू इंसान जी हां, फिर मैं भल हो सी क्या, पर मैं मोहम्मद ओ जिस्म तुहाडा हो सी, ओ जिस्म तुहाडा हो सी, अगर तुहाडे जिस्म दा जुज ना होवे, तुहाडे जिस्म दा हिस्सा ना होवे, पर ओ शहादत ना मिल सी। ओ शहादत किवें मिली और शहादत दे दू हिस्से किवें थे, और रब दी जात पाक ने एजाज और ए शर्त के कू अता कीता।